स्टूडेंट्स, बुद्धि के विषय में जो हमने अपने कक्षा सीरीज जो है वो आरंभ की है, उस सीरीज के अंदर हमने पिछली कक्षा में बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जो है वो जानने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बुद्धि की प्रकृति और उसका स्वरूप क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? बुद्धि की प्रकृति। या स्वरूप। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारा जो है वो आज का विषय होगा जिसपे हम लोग आज की क्लास में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। बुद्धि की प्रकृति या बुद्धि का स्वरूप, अगर हम जानने का प्रयास करें कि बुद्धि कैसी है, कितने किलो की है, कितने ग्राम की है, और गोरी है, काली है, कैसी दिखती है, पतली है, मोटी है, तो अगर हम इसके स्वरूप का एक जो है वो विश्लेषण करने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी इस चीज को जो है वो डिस्कस किया है और हम लोग जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं में भी गए थे, उनसे भी हमारे सामने एक तथ्य जो है वो उजागर हुआ कि बुद्धि जो है हमेशा अमूर्त रूप में होती है। बुद्धि का कोई भी रूप नहीं होता है, ठीक है, बुद्धि हमेशा अमूर्त रूप में होती है। हाँ, उनके प्रयोगों से जो है हम लोग जो है आगे के जो क्रियाकलाप है उनमें मूर्तता ला सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि है उसको किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग करके जो व्यवहारों का प्रदर्शन होता है, जो क्रियाकलाप हमारे होते हैं, वो हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं, उसका हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे हमारा इंटेलिजेंस है हम लोग उसको बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। हम केवल ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, लेकिन किस लेवल तक है, कितना है, हम उसको एक IQ टेस्ट के माध्यम में भी जो है वो ले सकते हैं, उसके द्वारा भी उसको माप सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट माप क्या होगी ये भी कहीं पे भी नहीं सुनिश्चित किया गया है। तो बुद्धि का जो स्वरूप है या उसकी प्रकृति है उसके विषय में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि के स्वरूप को जो है वो विभिन्न वर्गों में, विभिन्न भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको आज बुद्धि के चार स्वरूप या उसकी चार प्रकृति को जो है वो बेसिकली बताने का प्रयास करूंगी, जिसके अंदर यानी कि जो चारों मैं आपको स्वरूप जो बताऊंगी या बुद्धि की जो चार प्रकार की जो प्रकृति है मैं आपको वो बताऊंगी, उन्हीं चारों के अंदर बाकी जितने भी छोटे मोटे हमारे थोड़े कम ज्यादा जो भी है, जितने भी हमारे स्वरूप है, जितने भी उसके नेचर है, वो क्या होते हैं, उसके अंदर समाहित होते हैं। तो हम लोग जो है आज ये चार स्वरूप या इसके चार नेचर्स को जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नंबर वन हमारा जो स्वरूप है, सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता जिसे हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ लर्निंग। दूसरा है समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता। Ability to think abstractly। और चौथा है
पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट विथ एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो है वो चार प्रकार के हमारे जो है वो स्वरूप हैं या चार प्रकृति है, किसकी? बुद्धि की, जिसको हम लोग आज की क्लास में जो है वो पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है, इनके अलावा जितने भी छोटे बड़े प्रकृति और आएंगे, स्वरूप और आएंगे, वो सभी इनके अंदर ही समाहित होंगे। ये बेसिकली ये जो चार जो प्रकृति है या चार स्वरूप है, ये जो है इन्हीं के अंदर बाकी सारे स्वरूप क्या होते हैं? समाहित होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त जो परिभाषाएं हमने पढ़ी थी और जो बुद्धि की हमने विशेषताएं पढ़ी थी, अगर हम उनमें जाकर के भी देखने का प्रयास करें, अगर उसको समझने का प्रयास करें, बुद्धि का अर्थ जो हमने पढ़ा था अगर हम उसको भी इसमें इन्वॉल्व करें, तो उन सब से जो है हमारे पास ये चारों तथ्य जो है वो उजागर होते हैं। चारों तथ्य जो है वो बखूबी हम देख सकते हैं कि जो उसकी प्रकृति है, बुद्धि की जो प्रकृति है, उसके अंदर हम सीखने की योग्यताओं की बात करते हैं, उसके अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यताओं की बात करते हैं, अमूर्त चिंतन यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध नहीं है, हमारे सामने जो नहीं है, हम ऐसे विषय वस्तु को काल्पनिक दृष्टिकोण से उसके बारे में सोच करके और एक सकारात्मक परिणाम की बात जो है वो सोचने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर कार्य करते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी होती है। और पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता होती है। मनुष्य हैं हम, मानव प्रजाति में हम लोग हैं, और मानव प्रजाति के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के उतार और चढ़ाव हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। अब इन उतार चढ़ावों के साथ मनुष्य क्या करता है दैनिक जीवन में, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल वो क्या करता है, अप्स एंड डाउन्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपना एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। और ये जो सामंजस्य बिठा रहा है, ये जो एडजस्टमेंट वो मनुष्य कर रहा है, वो और क्या है, ये बुद्धि की योग्यताएं ही तो हैं, ये उसकी अपनी योग्यता ही तो है जो इंटेलिजेंस के साथ वर्क कर रहा है और उसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है, स्व प्रेरित कर रहा है या किसी और के द्वारा वो प्रेरित है, लेकिन प्रेरित हो करके वो अपने आप को क्रियाशील महसूस कर रहा है। तो एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल लेने का प्रयास करेंगे, एक एक के बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली ये एक एक पॉइंट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाती हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। चलिए हम पहली प्रकृति पे आते हैं, सीखने की योग्यता अर्थात एबिलिटी ऑफ लर्निंग। सीखने की योग्यता जब हम बात करते हैं, जब हम इस तथ्य पे जाते हैं, बुद्धि के इस प्रकार के स्वरूप को देखते हैं, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक जो कॉमन तथ्य हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं ज्ञान अर्थात नॉलेज। ठीक है, एक कॉमन तथ्य हमारे सामने आता है ज्ञान अर्थात नॉलेज। अब ये जो ज्ञान है या नॉलेज है, किस रूप में हमारे पास होता है, कैसे क्रियाशील होता है या किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आप प्राचीनतम समय में जाएं, अगर आप पौराणिक कथाओं को जानने का प्रयास करें, हम लोग अगर अपने ग्रंथों को जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, अगर थोड़ा बहुत भी उनको समझने का प्रयास करें, तो उसको देख करके, उसको पढ़ करके, उसके जो कंटेंट है उनको समझ करके हमें इस बात का एहसास होगा कि जिन्होंने भी उस तरीके के ग्रंथ जो है वो लिखे हैं या उस तरीके की जो कथाएं लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं ज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे।
या आज भी जो लोग इस फील्ड में जो है क्रियाशील हैं, जो कथानक लिखते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स को जो है वो लिखने का कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं ज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान है, इस वजह से वो इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से बखूबी वो उसको अपने शब्दों के द्वारा जो है एक किताब के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अगर ज्ञान की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को हम लोग समाज से जोड़ सकते हैं और सीधा जोड़ सकते हैं, ठीक है। ज्ञान को हम लोग समाज से जोड़ सकते हैं, हमारे समाज के अंदर जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है समाज में उसका स्थान उतना ही ऊपर माना जाता है, या उसका जो स्थान है उतना ही ऊपर निर्धारित होता है। ऊपर निर्धारित होने से तात्पर्य ये नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, उसका घर बहुत बड़ा बन जाता है, या उसके जो घर के लोग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जो सुख सुविधाएं हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करके ही आगे तक जाते हैं। नहीं, मैंने कहा समाज के अंदर जो है वो सबसे उच्च सर्वोच्च माना जाता है। इससे तात्पर्य है कि उसका जो वर्ग है वो एक विशेष प्रकार का हो जाता है, जो किसी भी तरीके के पैसे रुपए से नहीं, किसी भी तरीके से जो है सामग्रियों से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके सोच के दायरे से जो है उसको ऊंचा ले जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए एक सोसाइटी है, किसी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति है जिसे अपनी लड़की की शादी करनी है, ठीक है। लड़की की शादी करनी है, उसे पता चलता है कि लड़के को जो है वो देखने जाना है, तो देखने जाना है। जब वो लड़के को देखने जाता है तो देखने जाने में आप देखिए, लड़की का जो पिता है वो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाना प्रेफर करता है जो साथ में जाकर के लड़के के परिवार को भी समझ सके, लड़के को भी समझ सके, देखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, हमारी बेटी को खुश रखेगा नहीं रखेगा, खुश मिजाज है या नहीं है, कमाता कितना है, ड्रेसिंग सेंस क्या है उसका, और वो बड़ों का आदर किस तरीके से करता है। यानी कि जो नैतिक मूल्य जो है लड़की के पिता के हैं वो उन नैतिक मूल्यों को उस लड़के में खोजने का प्रयास करेगा, लेकिन सीधा वो अपने तरीके से या स्वयं इस कार्य को नहीं करता है। वो अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को ले जाता है जो इन कार्यों के लिए क्या हो, प्रतिष्ठावान हो, अर्थात जो एक सामाजिक दायरे के भीतर जो है एक समाज में अपना एक दायरा बना करके हो, जिसका समाज में नाम हो और जो एक ज्ञानी पुरुष हो। तो ऐसे व्यक्ति को वो अपने साथ ले जाना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब वो व्यक्ति हमारी सोसाइटी का कोई आदमी हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, या मित्र के परिवार से भी कोई हो सकता है, ए टू जेड वो कोई भी होगा। लेकिन वो जो भी व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वो रिकग्नाइज्ड व्यक्ति होगा, वो एक सामाजिक व्यक्ति होगा, वो एक सोशल पर्सनालिटी होगा जो सोसाइटी में ये जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको डील करता है कि कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे रहता है, कौन कितना सीधा है, कौन कितना टेढ़ा है, कौन जो है वो उस परीक्षा में सफल हुआ था, कौन कौन सी रैंक लाया था, किसका बेटा कितना पढ़ने में है, कौन विदेश गया, फला ढिमका, इस तरीके के जो है वो सारे एनालिसिस इन लोगों के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं और इस ज्ञान से जुड़े जो लोग भी होते हैं उनको जो है वो बखूबी जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सीखने की योग्यता की अगर मैं बात करूं तो सीखने की योग्यता में जो है वो दो चीजें मैंने आपको, जैसे ये ज्ञान बोला है, इस ज्ञान के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है साधन और दूसरा होता है साध्य। एक होता है साधन और दूसरा होता है साध्य। साधन क्या होते हैं? साधन होते हैं रिसोर्सेज, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये जो रिसोर्सेज हैं इनका प्रयोग करके आगे का कार्य जो है वो करना, ये क्या हो गया, साध्य हो गया, उसको
साध्य करना हो गया। तो जब हम ज्ञान को जो है वो प्रयोग करते हैं, अब चाहे जिस भी रूप में, ज्ञान को हम चाहे साधन के रूप में ले, चाहे हम साध्य के रूप में ले, जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करके हम सीखने की योग्यता अपने अंदर विकसित करते हैं, हम लर्न करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर जो है वो ग्रहण करते हैं, और यही कहीं ना कहीं जो है एक स्वरूप होता है किसका, बुद्धि का। ठीक है, हम जो है सीखने में क्या करते हैं, ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ज्ञान कहीं ना कहीं हमारी जो है वो सामाजिकता से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब आप शिक्षण अभियोग्यता अगर कभी आपने पढ़ा हो या कभी इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ज्ञान है, जो सीखना है, जो सिखाना है या जो शिक्षण होता है वो बेसिकली समाज से डायरेक्टली जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, हम एक सामाजिक दायरे में ज्ञान का अर्जन करते हैं, हम एक सोशल कल्चर के अंदर जो है अपने नॉलेज को जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, हम लोग आइसोलेटेड नहीं हो सकते ज्ञान के लिए, हम लोग कहीं से जो है वो छीन करके इसको नहीं ला सकते, हम लोग किलो के भाव में इसको नहीं खरीद सकते हैं, इसको आप जितना अर्जित करेंगे, जितना आप इसको ग्रहण करेंगे उतना ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना आपके अंदर जो है आपके सोचने का दायरा जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही सीखने का दायरा आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इसी स्वरूप में जो है सीखने की योग्यता हमारे बुद्धि की एक प्रकृति या उसके स्वरूप के रूप में हमारे सामने आती है। चलिए दूसरा आते हैं सेकंड पॉइंट, समस्या समाधान की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए अब इस तथ्य पे भी अगर हम लोग आते हैं तो हम सीधा सीधा मानव की बात करेंगे, और वही बात है, मानव की अगर हम लोग बात करते हैं तो मानव जो है वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अब उस सीखने में जो है वो कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ हर्डल उसके पास आते हैं, लेकिन ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यक्ति जितनी जल्दी, जो व्यक्ति जितनी जल्दी इस पर विजय प्राप्त करता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। कैसे माना जाता है, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण जो है मैं आपको बताती हूं। आप लोग अभी ये जो पाठ पढ़ रहे हैं, हम लोग बुद्धि को पढ़ रहे हैं, आप लोग जो ये अध्ययन में आपने जो ये शामिल किया है, किसी एक पाठ्यक्रम के रूप में जो है आपने इसको सम्मिलित किया होगा। पाठ्यक्रम हो सकता है आप पीजीटी का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, आप टीजीटी का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, आप मनोशिक्षा मनोविज्ञान एक पर्टिकुलरली विषय के रूप में पढ़ना चाह रहे हो, आप बाल मनोविज्ञान को पर्टिकुलरली विषय के रूप में पढ़ना चाह रहे हो। कहने का मतलब है आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, और वो विषय कहीं ना कहीं आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्राप्त करने में जो व्यक्ति एंट्रेंस एग्जाम देता है या जो व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, जो जितनी जल्दी जो है उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है, आप अभी एग्जाम देंगे, आप अगर सफल हो गए तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। आप क्या कहे जाएंगे, आपने कॉम्पिटिशन निकाला है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो। तो आप क्या हो, समाज के दायरे में, समाज के नजरिए में, या समाज के अन्य लोगों में, या आपके साथ के ही अन्य लोगों में आप जो है उनसे बुद्धिमान हो। क्यों, क्योंकि आपने जो है वो उस जो आपकी समस्या थी, समस्या क्या थी
कि आपको ये कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है वो देना था, आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना था। उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आपका रिजल्ट घोषित होता है और आप पास माने जाते हैं, तो आपने क्या किया, उस समस्या पे विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त कर ली यानी कि आप जो है औरों से क्या हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन समस्याओं पे जितना समय लेता है विजय प्राप्त करने में, उस व्यक्ति को जो है उतना ही कम बुद्धिमान माना जाता है। अब जो लोग फेल हुए, जो लोग भी एग्जाम में, मान लीजिए आप पास हो गए, लेकिन आपके साथ ही आपके सहपाठी भी होंगे, आपके कोई रिलेटिव भी होंगे जिन्होंने एग्जाम को दिया होगा, तो वो अगर फेल हो गए तो क्या कोई भी, आप मुझे बताइए ए टू जेड, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहेगा कि बड़ा इंटेलिजेंट है जबरदस्ती फेल हो गया? कोई नहीं कहेगा। सभी ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ चूक जरूर हुई है, इस वजह से फेल हुए। तो अब वो चूक क्या है? वो चूक आपके कंटेंट में कमी भी हो सकती है, आपके नॉलेज में कमी भी हो सकती है, आपका टेक्निकल एरर भी हो सकता है। हो सकता है प्रश्नों को लिखने का तरीका ही आपका सही नहीं हो, हो सकता है रिटन कोई एग्जाम हो, आपकी हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं हो, हो सकता है ग्रामर आपको पता ही नहीं हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है आप स्पेलिंग मिस्टेक करके आए हो सकता है ओएमआर शीट आपने गलत भरी हो सकता है नाम रोल नंबर आपने गलत भरा हो सकता है आपको आंसर आ रहा था लेकिन 3 घंटे का पेपर था, 3 घंटे में आप सारे प्रश्नों को ना कर पाए हो, प्रश्न ही छूट गए हो। तो कुछ ना कुछ तो कमी थी, तो ये कमी आपकी जो है वो बुद्धिमत्ता को या उसकी कमी को ही दर्शाता है। ठीक है, तो आप क्या होंगे, आप जो आपकी समस्या है उस पे उस समय विजय प्राप्त नहीं करेंगे, आप फिर आगे के लिए करेंगे और अगेन एंड अगेन आप उसमें जो है लगे रहेंगे, और तब तक आप लगे रहते हैं जब तक कि आपकी उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। तो समस्या समाधान की योग्यता जो है वो बुद्धि की एक प्रकृति के रूप में हमारे सामने होती है। मानव है हम, मनुष्य नेचर है कि समस्याएं, जब एक समस्या पूरी हो जाती है तो उसी से फिर दूसरी समस्या उपजती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और पूरा लाइफ जो है वो समस्याओं को सुलझाने में निकलता है। तो लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे जिस लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे परिवार से रिलेटेड है, चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे पर्सनली कोई पर्सनल समस्याओं से रिलेटेड है, कुछ भी है, ए टू जेड जो भी है, समस्या को समाधान करने की जो योग्यता होती है वो क्या है, बुद्धि है। और ये इसके द्वितीय स्वरूप के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया मैंने। चलिए तीसरा आते हैं, तीसरा स्वरूप, तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तीसरा जो हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए मनुष्य जो है वो दो तरीके के चिंतन करता है। अगर मैं चिंतन की बात करूं तो मनुष्य जो है वो दो तरीके से चिंतन करता है, एक होता है मूर्त स्वरूप और दूसरा होता है अमूर्त स्वरूप। मूर्त स्वरूप के चिंतन से तात्पर्य क्या है, ऐसी समस्याएं या ऐसे विचार या इस ऐसे भाव जिनको जो है हम लोग देख रहे हैं और देख करके हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में वो हमारे समक्ष है और हम उनका क्या कर रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, उनकी विषय वस्तु बना रहे हैं, उन पे क्रिया कर रहे हैं, उनके परिणामों को देख रहे हैं और परिणामों का पूर्ण रूप से एनालिसिस कर रहे हैं, हर एक चीज हमारे सामने दिख रही है, ये क्या हो गया, मूर्त स्वरूप हो गया। किसका, चिंतन का। एग्जाम्पल लेते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं आप, अचानक चलते चलते जो है आप पैदल हैं लेकिन एक बाइक वाला आता है और एक कार वाला आता है, दोनों आपके सामने
जो है दोनों गाड़ियों का टक्कर हो जाता है। तो जो दोनों गाड़ियों का टक्कर हुआ वो बिल्कुल आपके सामने हुआ, तो आप उस पे क्या करते हैं, एक मूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि रॉन्ग साइड से कौन आ रहा था तो आप उस पे चिंतन कर सकते हैं। आप बोलोगे कि कार वाला तो सही आ रहा था, इधर से आ रहा था, बाइक वाला जो है अपनी लेन लेफ्ट को छोड़ करके राइट लेन में जो है वो रॉन्ग साइड आ रहा था और बहुत स्पीड में आया, इधर से कार भी स्पीड में थी और दोनों में टक्कर हो गई। तो ये क्या है, हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से जो घटना घट रही है उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने देखा भी, हमने उसके ऊपर एक चिंतन भी किया, हमने एनालिसिस भी कर दिया कि गलती बाइक वाले की है और अगर उसको चोट लगी है तो किसी भी तरीके से, हालांकि देखिए मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बता रही हूँ, कभी भी अगर बाइक और कार की टक्कर होती है तो बाइक और कार की टक्कर में ज्यादा इंजर्ड जो है वो बाइक वाला होता है और ऐसे सिचुएशन में जो सिंपैथी होती है वो पूरी की पूरी जो है वो बाइक वाले को चली जाती है। जबकि सिचुएशन अगर देखा जाए, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल के अंदर जो है बाइक वाले की थी, तो वहां पे अगर 10 लोग इकट्ठे भी हुए और वो सिंपैथी अगर बाइक वाले को दे रहे हैं और आपने मूर्त चिंतन किया उसका, आपने साक्षात देखा उसको कि गलती किसकी थी, स्पीड कितनी थी और किस तरीके से वो भिड़े, आप उस पर एनालिसिस करके तुरंत उसकी प्रतिक्रिया भी आप दे देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, इनकी गलती थी, इनको थोड़ा स्लो आना चाहिए था, या रॉन्ग साइड वो आ रहे थे तो बिल्कुल साइड साइड जाना चाहिए था, बीच रस्ते में मेन रोड पे वो क्यों गए, मेन रोड पे कोई भी गाड़ियां आ सकती हैं। तो आपने ना सिर्फ देखा, आपने वहां पे चिंतन किया, आपने विश्लेषण भी किया, आपने एक जो फाइनल परिणाम हो सकता है उस परिणाम को भी वहां पे प्रस्तुत किया, उसको एनालिसिस करके जो एक रिजल्ट भी क्या हो सकता है आपने उसके लिए भी वहां पे कार्य किया। तो ये क्या हुआ, हमारा मूर्त स्वरूप हुआ चिंतन का। नेक्स्ट हम आते हैं अमूर्त स्वरूप, जो हमारे सामने नहीं है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा अमूर्त स्वरूप होता है चिंतन का। जैसे अभी मैं आप लोगों को बुद्धि की प्रकृति या स्वरूप को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब इसके बाद में आपको जब क्लास खत्म करूंगी तो मैं बोलूंगी कि आगे की कक्षा के लिए हम बात करेंगे, तो आगे की कक्षा के लिए बात करेंगे, ये डिफाइन होगा या ये डिसाइड हो गया, प्री डिसाइडेड इनफैक्ट हो गया कि आगे की कक्षा मुझे लेनी है, आगे के हो सकता है टॉपिक भी मुझे पता हो कि इसके आगे का टॉपिक क्या है, लेकिन पढ़ाते समय मैं क्या क्या कंटेंट डालूंगी, कौन से एग्जाम्पल्स डालूंगी, ये डिसाइड नहीं है। ये क्या हो जाएगा, मैं अमूर्त चिंतन करूंगी कि मैं ये पढ़ा दूंगी, मैं ये वाला एग्जाम्पल डाल दूंगी, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी जिसको मैंने कराया नहीं है और ना ही मेरे सामने है वो, लेकिन मैं उनका चिंतन कर रही हूं, अमूर्त रूप से उसका चिंतन कर रही हूं और उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये क्या हो गया, हमारा अमूर्त स्वरूप हो गया, जो मेरे सामने नहीं है, मेरे साक्ष्य के रूप में नहीं है, जिसको मैं आपको दिखाई नहीं सकती कि मैं क्या क्या करूंगी, जब करूंगी तब करूंगी लेकिन क्या क्या करूंगी वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती, केवल मैं आपको बोल सकती हूँ। तो बोलने से जो है वो चीजें विजुअलाइज हो सकती हैं लेकिन आपके सामने वो सामने नहीं आ सकती हैं। तो ये क्या हो गया, अमूर्त स्वरूप हो गया। तो जब अमूर्त स्वरूप को हम लोग क्या करते हैं, अपनी चिंतन की अवस्था में लेते हैं, तो ये हमारी एक योग्यता होती है, ये हमारी एक एबिलिटी होती है, जो कि अगेन जो है वो बुद्धि का क्या है, एक स्वरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। एबिलिटी of adjustment with environment, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। देखिए मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, मनुष्य की हम बात करते हैं तो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो दिन प्रतिदिन जो है ऐसे क्रियाकलाप जो है वो करता रहता है जिससे वो स्वयं का विकास कर सके, यानी कि अपने आप को वो डेवलप कर सके, डेवलप
इन द सेंस जब मनुष्य विकास के पथ पर अपने आप को अग्रसित करता है तो ऐसे सिचुएशन में एट द एंड ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ टास्क यानी कि जिस पथ पर वो है वो पथ जहाँ खत्म होता है वहां दो ही चीजें होती हैं, या तो सफलता होती है या फिर असफलता होती है। अब सफलता और असफलता इन दोनों से भी जो है वो क्या करता है, बहुत कुछ सीखता है। जहां पे सफलताएं आती हैं वहां पे प्रेरणाएं आती हैं। अब ये प्रेरणा जो है वो स्वप्रेरित भी हो सकता है और किसी के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको सफलता मिल गई, आप सफल हो गए, तो आप विभिन्न लोगों के लिए प्रेरणाएं बन सकते हैं और आप स्वयं के लिए भी प्रेरणाएं बन सकते हैं। प्रेरणा जो है आपके लिए खुद के लिए, किसी अन्य कार्यों के लिए भी जो है आप स्वप्रेरित हो सकते हैं। जहां पे हम बात करते हैं असफलताओं की, यहां पे जो है वो आगे हमारे समस्याएं आएंगी। क्या आएंगी? समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को लेकर के, ये जो समस्या है, अब इस समस्या को आप जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे या इस समस्या का निदान करने में जितनी जल्दी आप अपनी योग्यता को सिद्ध करेंगे, आप उतनी जल्दी ही बुद्धिमान कहलाएंगे। आप जितना इसमें समय लेते रहेंगे इस समस्या को समस्या के समाधान में जितना अधिक समय लेते रहेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को जो है उतना ही निम्न रूप से आंका जाएगा। ये कैसे है? पर्यावरण से। क्यों? क्योंकि आप पर्यावरण से जो है अपने आप का सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट एनवायरमेंट है, उसके साथ आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपकी तारतम्यता नहीं बन पा रही है, इस वजह से आपके सामने समस्याएं हैं। जबकि जो लोग सफल हो चुके हैं उन्होंने उन समस्याओं को जो है क्या किया, अपने साथ एडजस्ट किया या उन समस्याओं के साथ स्वयं को एडजस्ट किया और आगे जो है वो बढ़ चले, तो वो आगे सफल रहे। और यहाँ पे जो है हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, इस वजह से हम क्या रहे, असफल रहे। और असफलताओं के कारण डे बाय डे नित नई नई समस्याओं का हमारे सामने जो है वो जन्म होता जा रहा है। और उनको जितनी जल्दी हम सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और जितना हम समय लगाएंगे ये समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। और इनका सीधा संबंध हमारी बुद्धि से जो है वो रखा जाता है या बुद्धि से देखा जाता है। इस स्वरूप से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक है स्टर्न, उनका एक कथन है, थोड़ा सा हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। स्टर्न के अनुसार जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है, ठीक है। उनका कथन क्या था? जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही क्या है, बुद्धि है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें, इंटेलिजेंस इज अ जनरल मेंटल अडॉप्टेबिलिटी to new problems and conditions of life, ठीक है। Intelligence is a general mental adaptability to new problems and conditions of life। Stern के अनुसार जीवन की जो परिस्थितियां हैं
जो भी हमारी सिचुएशन होती है हमारे लाइफ के अंदर, उनमें जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है वो आती रहती हैं, और नए नए जो हमारे सामने जो हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने उजागर हो रही है, उनका हम लोग एक सामान्य जो जनरल मेंटल हमारे सामने एबिलिटी है, जो हमारे पास जो सामान्य मानसिक अनुकूलन है, अगर हम उनका ही प्रयोग करके उनका निस्तारण करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हैं, बुद्धिमान हैं, या हमारे पास क्या है, बुद्धि है। ये किससे कोरिलेट हो रही है, हमारी बुद्धि की प्रकृति से। आप इन टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए। आगे के क्लासेस में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स है उन पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करने की, जो हमारे इन्हीं टॉपिक से जो है वो रिलेटेड होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।